नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं स्टार 7 टीवी न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। थाना कोतवाली अंतर्गत एक व्यक्ति द्वारा आत्महत्या किए जाने वाले मामले में कोतवाली पुलिस टीम द्वारा दो नफर वांछित मुख्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के संबंध में पुलिस अधीक्षक बलिया राजकरण नैयर के द्वारा दिया गया जानकारी। अब तक इस मामले में कुल 8 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो चुकी है। आइए सुनते हैं उनका क्या कहना है। स्टार 7 टीवी न्यूज की कवरेज। सर, थाना कोतवाली अंतर्गत मामले में मुख्य अभियुक्त की गिरफ्तारी के संबंध में कुछ जानकारी मिलेगी सर? जनपद बलिया के थाना कोतवाली में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 63/2023 जो स्वर्गीय नंदलाल गुप्ता जी की आत्महत्या के संबंध में उनके परिवार के द्वारा दी गई तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इस संबंध में अब तक 6 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। उनको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है। इसी क्रम में जो विभिन्न टीम्स अरेस्टिंग के लिए लगाई गई थी उनको सफलता हासिल हुई है और मामले के दो मुख्य अभियुक्त हनुमान सिंह और शैलेंद्र सिंह उर्फ पप्पू, इन दोनों को ही बलिया पुलिस ने गिरफ्तार किया है और इनको इनसे पूछताछ कर साक्ष्य संकलन की कार्रवाई कर जो भी इस मामले से जुड़ी तथ्य हैं उन सब की जानकारी करके इनको भी माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। इनको मिलाकर के कुल अब इस मामले में अब तक 8 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। इसके अलावा जो रजिस्टर अग्रीमेंट इन्होंने करवाया था उसकी कैंसिलेशन के संबंध में संबंधित विभाग के साथ पत्राचार कर उसके कैंसिलेशन हेतु अग्रिम प्रक्रिया जो है वो प्रचलित है और इन सब लोगों की संपत्तियां जो भी हैं जो इन्होंने अपराध के माध्यम से अर्जित संपत्ति है उसका पूरा ब्यौरा कलेक्ट करके गैंगस्टर एक्ट के तहत आने वाले समय में उनकी जब्तीकरण और विभिन्न कुर्की और अन्य कार्रवाइयां जो है उसके लिए जो भी विधिक प्रोसेस है उसके लिए आगे कार्रवाई की जाएगी। बाकी इसमें जो भी अपडेट होगा आप लोगों को अवगत करवाया जाएगा। अब तक पूरे मामले में 8 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं जिनमें शैलेंद्र सिंह उर्फ पप्पू, हनुमान सिंह, दीप नारायण सिंह उर्फ पुन्ना, अजय सिंह उर्फ संघाल, आलोक सिंह, सुनील मिश्रा, राजू मिश्रा और अवधेश ठाकुर शामिल हैं। इस अंक में फिलहाल इतना ही। इसी तरह की खबरों के साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल स्टार 7 टीवी न्यूज को सब्सक्राइब करें।